हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वेकेंड केक। आज मैं आप सभी को बताऊंगी मावा केक, टी टाइम केक और टूटी फूटी केक कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हम अपनी रेसिपी शेयर करते हैं। इससे सबसे पहले हम लेंगे शुगर हाफ कप, कर्ड हाफ कप एंड ऑयल 1/4 कप लेंगे, मैदा 1 कप लेंगे, बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टेबल स्पून, मिल्क पाउडर 1/8 कप, मावा एसेंस 6 to 7 ड्रॉप्स डालेंगे और लास्ट में हम डालते हैं वेनेगर। इसको बना के हम तैयार कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने शुगर लिया एंड इसमें हम 1/2 कप कर्ड को ऐड करते हैं। अभी हम इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, एक स्मूथ सा टेक्सचर आने तक हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, करते जाएंगे, एकदम अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। देन इसमें हम 1/4 कप ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, करते रहेंगे, एकदम स्मूथ सा बैटर दिखेगा आपको, एकदम स्मूथ, एकदम मिक्स करना है अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते करते। फिर अभी हम इसमें, ये अच्छे से हो गया, तो अभी हम इसमें ऐड करते 1/4 ऑयल जो हमने लिया था। अभी ये तीनों के मिक्सर को अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। या मिक्स करके एक अच्छा सा स्मूथ सा टेक्सचर जब हो जाएगा, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक फ्रेंड्स मिक्स करेंगे तो प्रॉपर तरीके से होगा। देखिए हमारा ये मिक्स होके, इसको मार्केट में इसको कंडेंस मिल्क भी बोलते हैं, इसको ऐसा बना लेते हैं अच्छे तरीके से। अभी हम एक बाउल लेते हैं, बाउल में हम सबको मैदा लिया था हमने 1 कप, इसको अच्छे से हम छान लेते हैं। मैदा हो गया, इसमें ऐड करेंगे हम मिल्क पाउडर 1/3 कप एंड देन इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून हम डाल देते हैं इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर अच्छे तरीके से। हाँ, इसको अच्छे से हम छान लेते हैं। अच्छे से हो जाता है, देन हम इसमें ऐड करते हैं अच्छे तरीके से हम छान के एकदम, ताकि लम्स ना बने। अगर हम इसको अच्छे से छान लेते हैं तो एक बार भी हम इसको मिक्स करते हैं ना, तो इसमें लम्स फ्री हो जाता है। वो मिक्स करेंगे हम इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही करते जाएंगे फ्रेंड्स। देखिए मैं बिल्कुल भी वीडियो को कट नहीं कर रही हूँ, इसलिए कि अच्छे तरीके से आपको समझ आए। सो कंसिस्टेंसी के लिए थोड़ा सा हम इसमें मिल्क को ऐड करके अच्छे से करेंगे, ताकि एक स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाए। अब हम इसमें डालते हैं मावा एसेंस डालेंगे इसमें, ये थोड़ा कम है, अभी हम इसमें वापस से डालते हैं थोड़ा, 7 to 8 ड्रॉप्स तक हम डालेंगे मावा एसेंस। इसको फ्लेवर हो जाता है, ये बहुत ही अच्छा खाने में फ्लेवर आता है मावा एसेंस डालेंगे तो। हम इसको हम कंटिन्यूसली मिक्स करते जाएंगे, स्मूथ सा बैटर हमारा बन के ये रेडी हो रहा है। इसमें थोड़ा सा हम मिल्क और ऐड करेंगे, थोड़ा सा, ज़रा सा और पतला करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी ना थोड़ा सा मोटा ही रहना चाहिए, बिकॉज अगर हम इसको अच्छे से बनाते हैं तो ये स्मूथ सा एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी बन के रेडी होगा। ये मैदे से हमने बना रहे हैं फ्रेंड्स। ये भी एकदम अच्छे तरीके से हमारा रेडी हो चुका है, तो हम अभी इसमें थोड़े से ऐड कर लेते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ड्राई फ्रूट्स थोड़े ऐड कर लेते हैं इसमें, टूटी फ्रूटी, बिकॉज हम इसको टूटी फूटी केक बना रहे हैं, खाने में ये बहुत ही टेस्टी होता है। अभी हम ऑयल प्रेस कर देते हैं, बना हुआ सारा बैटर, ये हमने वेनेगर डालना भूल गए थे फ्रेंड्स, तो अभी हम ऐड कर देते हैं वेनेगर। इसको अच्छे तरीके से मिला देते हैं 1 मिनट तक, देन इसमें हम अच्छे से इसको अच्छे से हम बैटर को रख लेते हैं
अब हम इसमें टूटी फ्रूटी डाल देते हैं थोड़ा, आपके पास अगर काजू बादाम कुछ भी होगा, ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हो, और भी खाने में टेस्टी लगेगा ये। एंड देन इसको हम लेके जाते हैं बेक करने के लिए। अभी मैंने इसको बेकिंग करने के लिए रख दिया है, ये करीबन 30-35 मिनट्स में अच्छी तरीके से बेक हो जाएगा। तो अभी हम चेक करते हैं 35 मिनट्स।